way to Manali? Yes. This one? We're going up to Leh. Okay. Thank you. Well done everybody. हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। कैसा लग रहा है? ठंडा। अच्छा। 220 किलोमीटर कट जाए। हाँ। डर लग रहा है थोड़ा? किस लिए डर लग रहा है? पता है कि मेरे को क्या लग रहा है, जैसे कुछ ज्यादा बात करनी चढ़ने के लिए, जैसे एकदम से गाड़ी बंद होने स्टार्ट होती है, मैं दोनों हाथ से स्टीयरिंग पकड़ लेता हूं। ये देखा है, आज तो मैं नहीं चलाऊंगा बिल्कुल। चलो ठीक, आज ललित भाई पे दामदार रहेगा पूरा 220 किलोमीटर तो आगे भी 600 किलोमीटर हम चला लेंगे। और पानी का ये बता रहे हैं कि इनके नल जम गए हैं, बर्फ जम गई उनमें, इसलिए पानी नहीं आ रहा है। दोस्तों यही वो जगह है जहाँ पर आज से 3-4 दिन पहले 3 बुलेट और एक फॉर्च्यूनर झरने में बह गई थी। बुलेट तो पीछे डली हुई है और आप देख सकते हैं ये यहाँ से झरना आ रहा है, यहाँ से पानी फटा हुआ था, यहाँ कहीं ऊपर तालाब था जो एकदम से खुल गया तो उसके साथ में जो पत्थर आए हैं उसकी वजह से एक फॉर्च्यूनर 3 बुलेट, फॉर्च्यूनर में एक बंदा साथ में बह गया। आप देख सकते हैं ये जिंग जिंग बार है। अरे ऐसा नमूने थे, उस पार से इस पार आने क्या जरूरत है, जब गाना कर रहा है तो भी पार कर रहे हैं। पिछले कितने रुके हैं, उनको पता पिछले वाले में टूट गए। 20 मई उन्होंने देख लिया ना कितना टोकलैंड खड़ी है, इसका मतलब यहाँ पर आए दिन लैंडस्लाइड होती रहती है। मशीन खड़े होने का मतलब ही यही है, यहाँ झरने के आसपास जरूर होता है लैंडस्लाइड 2-4 दिन में। ट्रैफिक जाम हो गया भाई पेड़ की वजह से रोहतांग में। क्रॉस कर लिया रोहतांग में, बर्फ तो ना के बराबर थी बिल्कुल, तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, पता नहीं लोग इतने आए होंगे। थोड़ा नीचे आके ये पैराग्लाइडिंग का स्पॉट है, तो देखिए उठ गया ये, अभी रेडी है उड़ने के लिए। तो यहाँ थोड़ा रुके हैं सुसु ब्रेक, और थोड़ा मैं तो ओवरवेट हूँ, मुझे अलाउ नहीं करते, 80 तक अलाउड है शायद। 1 बजे हम पहुँच गए थे रोहतांग पास। रोड बहुत अच्छा है, थोड़ा सा ख़राब है, 5-10 किलोमीटर का ख़राब है रोहतांग से पहले, तो रोड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इतना इजी नहीं है, पिछली बार एक लड़की यहाँ से गई थी और वहाँ जो गाय बैठी हैं उनमें जाके लगी, तो इतना इजी नहीं है, आपको साथ साथ भागना पड़ता है, अगर आप नहीं भागे तो गिर जाओगे। 1500, हाँ तो इतना ही होगा, 90 तक अलाउड है। अरुण जा रहा है, फॉर्म भर दिया है। कैसा लग रहा है अरुण? देखते हैं क्या होता है। मुझे ले चलो। हवा पैर चला रहा हवा। तो तेरी पहले बैक गियर लग गया, गलती से बैक गियर में चली पहले। डर गया था पूरा, पीछे चली गई एक दफे का देखने लायक। अब हम पैसे लगा हवा में। चलो भाई चलते हैं नीचे, और उनको नीचे से लेंगे। अरुण आ गया है, अरुण को पूछते हैं कैसा लगा पैराग्लाइडिंग करने के बाद। हाँ। भाई सब जबरदस्त मजा आ गया, मतलब ये समझिए कि आप जो राफ्टिंग में मजा आता था ना, हाँ। उससे तो कई गुना बेहतर मजा आया। अच्छा। हाँ, एक बार थोड़ा सा अगर आप सोचो ना कि जब ऊपर उड़ते उड़ते, हाँ। और आप एक बार ध्यान करो कि कहीं ऐसा ना हो ये टूट जाए, हाँ। सीधा ऐसी फीलिंग आती है। अच्छा, बस उसी एक्साइटमेंट में एडवेंचर है। लैंडिंग ठीक हुई? लैंडिंग बड़ी फर्स्ट क्लास। बारिश हो रही है बाहर, बहुत अच्छा मौसम हो गया। हम सरचू में थे और वहाँ से जब चले तो वहाँ से जिंग जिंग बार था, लगभग 1-2 घंटे में आ गया था। तो वहाँ जो नाला था, पानी अब भी आ रहा था उसमें, लेकिन उन्होंने अभी साफ किया हुआ है, आप वीडियो में भी देख सकते हैं, क्रेन खड़ी हुई थी उधर, और आपने अभी देखा भी होगा। तो वहाँ डर लग रहा था, लेकिन अभी क्रॉस कर लिया है तो ज़्यादा कुछ अभी ठीक है। 3-4 नाले पड़ते हैं ऐसे इस रोड पे, जो मनाली टू लेह रोड है, ये इसी रोड पे है। कश्मीर टू लेह, जो श्रीनगर टू लेह रोड है, उसमें नहीं है कुछ भी ऐसा, वो साफ भी ज़्यादा है। उसमें सिर्फ जोजिला पास में ही 5-10 किलोमीटर गंदा है, बाकी सब साफ है, अच्छा रोड है। इस रोड में मैं आपको बताऊंगा कि ये थोड़ा एक्चुअली डिस्टेंस भी कम है रोड, मुझे तो अच्छा लगा। अगर किसी को एडवेंचरस कुछ चाहिए तो इसी रोड से जाए, क्योंकि ये जो 3-4 नाले हैं ना, इनको पार करना ही, मतलब आप समझो कि पैसा वसूल चीज़ है, ऐसी हुई हो। और आज मैं ही चला के लाया कार को, पूरा 220 किलोमीटर था सरचू से, तो मुझे तो मज़ा आ गया वो नाला, सारे नाले पार करने में। काफ़ी 4-5 नाले पड़े जो काफ़ी डेंजर। तो भाई लोगों, मैं तो यही कहूँगा कि अगर एडवेंचरस कुछ करना है, और सीनिक ब्यूटी भी ऑलमोस्ट है, जिंग जिंग बार में, किलांग में और आपका दरचू सरचू ऐसी कई जगह हैं, तो वो सब है। और रोहतांग भी पड़ता है। रोहतांग में आज बर्फ़ नहीं थी, लेकिन रोहतांग भी रास्ते में। श्रीनगर से लेह वाले में आपको कारगिल, द्रास, वो काफ़ी अच्छी जगह हैं। और आपका सोनमर्ग भी है। सोनमर्ग में जहाँ शूटिंग हुई थी बजरंगी भाईजान की। जो कारगिल है वहाँ कारगिल वॉर मेमोरियल है, तो वो काफ़ी अच्छा था। मैंने आपको दिखाया पिछले ब्लॉग्स में, वो बहुत अच्छा था, मुझे बहुत पसंद आया। वहाँ 20 मिनट की मूवी भी है और आपको वहाँ वो बोल के भी बताते हैं 10 मिनट का कम से कम। और वहाँ काफ़ी सारे नाम लिखे हुए हैं जो शहीद हुए थे। वो पूरी स्टोरी जानने में, मतलब अंदर होता है ना बिजली कड़कती है, बिल्कुल वो वाला माहौल वो वहाँ है, तो वो काफ़ी अच्छा लगा। ओवरऑल बेस्ट तो ये है कि आप सर्कल पूरा करें, कश्मीर से जाएं या लेह से जाएं, जहाँ से जाएं दूसरी तरफ से आएँ वापस, तो ज़्यादा बेटर है। लेह में हल्की सी डिफ़िकल्टी है ब्रीथिंग में, हमें ज़्यादा नहीं हुई। थोड़ी सी जो खारदुंगला पास है वो सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, तो थोड़ी सी वहाँ हुई हल्की सी। सेकंड हाईएस्ट था जो बीच में पड़ा था टांगलांगला कुछ करके था, अभी ले रोड से जो मनाली आ रहे थे, तो वो सेकंड हाईएस्ट था। वहाँ इतनी नहीं थी, लेकिन हल्की हल्की कहीं कहीं होती है। जब आप कुछ एक्टिविटी करते हो तो महसूस होता है। किसी किसी को विदाउट एक्टिविटी ऑन रेस्ट भी हो जाती है, और हेडेक और ये सब कॉमन है। हमें नहीं हुआ, लेकिन बहुत से लोगों को हो रहा था, किसी को वॉमिटिंग हो रही थी। मोस्टली लेडीज़ भी आई हुई थी, कुछ बच्चे भी आए हुए थे छोटे, तो उनको होती है। भाई लोग अगर आप जाएं, हमारा ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ, बजट में ही रहा सब कुछ। होटल भी ज़्यादा महंगे नहीं लिया हमने, आई थिंक ये सबसे महंगा यही होगा होटल अभी तक का। तो अभी तक सब कुछ ठीक रहा ओवरऑल। अभी हमने किया नहीं है कितना हुआ है, लेकिन 70-80,000 में हो गया होगा हमारा पूरा ट्रिप। तो और कार की तरफ से हमें कोई परेशानी नहीं हुई। हमारे पास जीप कंपास थी, जिसने एवरेज भी ओवरऑल अभी तक 13 की एवरेज हुई है। गंदे रोड पे 10 से कम चली जाती है, लेकिन अच्छा रोड आता है तो 15-16 हो जाती है। तो अभी तक 2000 किलोमीटर हम चले हैं तो 13 की एवरेज तो दिखा रही है कार की तरफ से। हमें कोई परेशानी नहीं हुई। मोस्टली जो पूरे जम्मू कश्मीर में, लेह लद्दाख में जो कार मिली सबसे ज़्यादा टोयोटा इनोवा है। 50% टोयोटा इनोवा है, टैक्सी हो या प्राइवेट हो। और उसके बाद स्कॉर्पियो, फॉर्चूनर और आपकी महिंद्रा की कार, स्कॉर्पियो हो गई और बोलेरो और ये सब, और जाइलो बहुत थी, जाइलो भी थी टैक्सी में। तो ये सब कारें वहाँ मोस्टली चलती हैं, एसयूवी ज़्यादातर। कुछ लोग थे ऐसे जो छोटी कारें लेके जाते हैं, मोस्टली हरियाणा यूपी के ही थे, जो डिजायर या स्विफ्ट या और भी छोटी कोई कार लेके पहुँचे हुए थे। लेकिन चली जाती है कार, लेकिन काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है आपको। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, और जिसने नहीं किया सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब वीडियो तो स्टार्ट किया है तो कुछ ना कुछ तो डालेंगे। अगर आपको पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिए। कुछ भी आप पूछना चाहते हो मुझसे, ये मेरे बारे में या कुछ भी इस टूर के बारे में, लेह लद्दाख टूर के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा आपको।